महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज मतदान किया है। बता दें कि पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी वोट डाला। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे प्रत्याशी हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मतदान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से सामने आ रही है। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी कई लोकसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग जारी है। उसी बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मतदान केंद्र से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम एकनाथ शिंदे आज मुंबई में वोट डालते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी आज वोट डाला है। साथ ही आपको बता दें कि वो कल्याण सीट से प्रत्याशी भी हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मतदान केंद्र पहुंचे और वहां अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से संवाददाता मंगला वागे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला, लगातार देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी और आज पांचवें चरण का मतदान है। इसी बीच कई दिग्गज नेता भी मतदान करते हुए नजर आए। किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं अंकल शरण जी, महाराष्ट्र में 13 सीटों की वोटिंग अभी जारी है जी। लगातार वोटिंग हो रही है, कहीं पर कम ज्यादा वोटिंग दिखाई पड़ रही है। अभी तक 11 बजे महाराष्ट्र में 16% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग जो है हमें भिवंडी के एरिया में, भिवंडी लोकसभा मतदान संघ में दिखाई दे रही है। वहां पर लोगों में जैसे नाराजगी है, वोटर बाहर कम पैमाने पर आ रहे हैं वोटिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे जो कल्याण लोकसभा के प्रत्याशी है, उन्होंने अपना थाने में वोटिंग कास्ट किया है। उनके जो परिवार ने वोटिंग दिया है थाने में जाकर, और बड़े पैमाने पर जो सेलिब्रिटी है, जो अक्षय कुमार है, जाह्नवी कपूर है, अनिल अंबानी जी है, देन धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी, उन्होंने अपने मतदान संघ में जहाँ पर जुहू इलाके में वोटिंग की है। महाराष्ट्र में पूरे पैमाने पर पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जहाँ जो चप्पे चप्पे पर आपको महाराष्ट्र में पुलिस सीआरपीएफ के जवान तैनात दिख रहे हैं। और ज्यादा, सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो पालघर के एरिया में हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग डहानू में 16% हुई है और पालघर में सबसे ज्यादा वोटिंग हमें दिखाई दे रही है। वही मंगला, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी और बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और आज मतदान करने के लिए भी निकल रहे हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि काफी अहम हो जाता है जब बड़ी हस्तियां मतदान केंद्र पहुंचती हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और एक्टिव मोड में नजर आ रही है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जैसे सेलिब्रिटी मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे अनिल अंबानी सब परेड एरिया से लाइन में खड़े थे। सुबह से 7 बजे को लेकर उन्होंने लाइन में खड़े रहकर अपना वोटिंग किया है। और रही बात अक्षय कुमार ने भी लाइन में खड़े रहकर वोटिंग की है। उद्धव ठाकरे है, देन उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी लाइन में खड़े रहकर वोटिंग की है। जो सेलिब्रिटी हो या बड़े नेता हो, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में आम पब्लिक की तरह लाइन में खड़े रहकर वोटिंग कर रहे हैं। वहीं मंगला, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो क्या लगता है इन 13 सीटों में से हॉट सीट्स कौन कौन सी हैं? देखिए, मैं हॉट सीट आपको बता दूं कि कल्याण की जो हॉट सीट है, कल्याण में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी उत्तर मुंबई की एक हॉट सीट है, वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के भूषण पटेल चुनाव है, लेकिन ज्यादातर मतदाताओं की पसंद ही है जो पीयूष गोयल का है। ये बीजेपी का उत्तर मुंबई की सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। कल्याण की सीट भी बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। और सबसे ज्यादा वोटिंग जो भिवंडी में हुई है, भिवंडी में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ सुरेश माया महत्रे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है जी। मंगला, अगर बात करें तो किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है?
जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। मंगला, जिस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां की गई हैं, बड़े दिग्गज नेता वहां चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचे थे, तो क्या लगता है कि आज का जो मतदान प्रतिशत है उसमें किस तरीके से अंतर देखने को मिल सकता है? जी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जहाँ तक खबरें आ रही है मतदान बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की ज्यादातर अंदाजा लगाया जा सकता है। भिवंडी में इतने बड़े पैमाने पर कम मतदान हुआ है, वहाँ पर जरूर क्रॉस वोटिंग है, ऐसी चर्चा मतदान कर रहे हैं, वहाँ पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं कल्याण में, लेकिन भारी पैमाने पर वोटर बाहर गिरे हुए हैं। दक्षिण मुंबई में जो दक्षिण मुंबई की सीट अरविंद सावंत की है, उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ शिंदे गुट की यामिनी जाधव है, वहाँ भी हमें टफ फाइट दिखाई दे रही है। दक्षिण मध्य मुंबई में भी टफ फाइट दिखाई दे रही है। राहुल सेवाले जो शिंदे गुट के उम्मीदवार है, उनके पक्ष में ज्यादातर वोट मतदान वोट कर रहे हैं। जी मंगला वागे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार आज लोकसभा चुनाव को लेकर पांचवें चरण का मतदान जारी है। वहीं महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपना मतदान किया है, साथ ही आप ये सीधी तस्वीरें महाराष्ट्र से देख सकते हैं जहां पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी हो। और इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपना मतदान किया, उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद थे और वो भी मतदान करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी अपना वोट डाला, साथ ही बता दें कि वो कल्याण लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं। और लगातार आज सुबह से ही पांचवें चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी बड़ी हस्तियां चुनावी मैदान में हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपना मतदान दिया है। मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल बीजेपी प्रत्याशी है, लगातार चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए और आज ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार महाराष्ट्र में वोटिंग जारी है और सुबह से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं।